दुनिया के सबसे बड़े कन्फ्लिक्ट की कहानियों में से एक कहानी को कितने खूबसूरत अंदाज से कहा जा सकता है, अगर ये जानना है तो ये शॉर्ट फिल्म द प्रेजेंट देखिएगा। एक पलस्तीनी शॉर्ट फिल्म है जो कि नेटफ्लिक्स पर है। फिल्म ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया था फरहान अबुलसी ने, जो कि एक पलस्तीनी ब्रिटिश फिल्म मेकर है। 24 मिनट की इस शॉर्ट फिल्म में जो कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट है ना, वो है इसराइल पलस्तीन का जो जियोपॉलिटिक्स जो है। हेयर आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट इसराइल एंड पलस्तीन, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द आर्ट, द सिनेमा एंड अ क्लियर मैसेज। फिल्म का प्लॉट ये है कि एक आदमी है जिसका नाम यूसुफ है, उसकी एक वाइफ है जिसका नाम नूर है, और उसकी एक छोटी बच्ची है जिसका नाम यास्मीन है। उनके साथ वो रहता है। उसकी मैरिज एनिवर्सरी है जिसके लिए वो अपनी वाइफ को एक प्रेजेंट देना चाहता है, और प्रेजेंट क्या है, एक रेफ्रिजरेटर। जी हाँ, एक फ्रिज। हर किसी की ख्वाहिश बड़ा घर, पैसा, डिस्क में बहुत शराब पीकर, नशे में धुत होकर एम्पावरमेंट या फिर गरीबी पर लेक्चर देना नहीं होता। कुछ लोगों के सपने बहुत ऐसे भी होते हैं। खैर, यूसुफ अपनी बेटी यास्मीन को लेकर अगले दिन जाता है शॉपिंग के लिए। और अब जो लोग पलस्तीन और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं ना, उनको मालूम होगा कि जगह जगह पर वहाँ पर ना चेक पोस्ट या फिर ऐसे पैसेजेस होते हैं जिनसे गुजर कर लोगों को क्रॉस करना होता है। एक सिक्योरिटी से उन लोगों को गुजरना होता है, वो बात अलग है कि कौन किसको सिक्योरिटी दे रहा है। तो यहाँ यूसुफ और उसकी बेटी यास्मीन को इस पैसेज से गुजर कर जाना ही होता है, जो कि एक चेक पॉइंट जैसा है रोड के बीचों बीच में। ये जगह है जेरूसलम और बेथलहम के बीचों बीच में, जहाँ पर ये पैसेज है, और 300 मीटर के आसपास का एक पैसेज इन लोगों ने मतलब बना रखा वहाँ पर जो चेक पॉइंट है। रोड के दूसरी तरफ ये मार्केट या फिर जो कुछ बची कुची जो भी शॉप्स या फिर जो मार्केट्स बची हुई हैं वो है। अब ये जो चेक पॉइंट है ना, इट्स लाइक इंसानी केज, जिससे गुजरने पर भी ना मतलब अपने आप को एक ह्यूमिलिएशन सा थोड़ा सा फील होता है। और जब यूसुफ वहाँ से जाना चाहता है, दूसरे लोगों की तरह जब वहाँ से निकलना चाहता है, तो एक इजरायली सोल्जर जो है, जो वहाँ पर तैनात है, वो अननेसेसरी अपना अथॉरिटी दिखाकर उसको रोक देता है, उसे बदतमीजी करने लगता है, जबकि उसकी बेटी भी उसके साथ है, उसके सामने मतलब ये सब चीज़ें हो रही है। ये बहुत ना ट्रेजिक है, और लिटरली बहुत हैरेसमेंट के साथ ह्यूमिलिएटिंग सा लगता है व्यूअर्स को भी। और इसके बाद किस तरह से उन्होंने उसको, यूसुफ को और उसकी बेटी को वहाँ से जाने दिया बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन के बाद। जब उसने वहाँ से जाने के बाद वो फ्रिज और बाकी जो सामान, जो ज़रूरी सामान जो वो लेने के लिए गया था वो ख़रीदा, तो ख़रीद कर जब वो वापस आया तो देखता है कि उसी चेक पॉइंट से उनको जाना है, ऑब्वियस सी बात है, और उसके आगे वहाँ तक वो गाड़ी जा नहीं सकती जिसमें वो रेफ्रिजरेटर लगा कर मतलब रखवा कर लेकर आया है, क्योंकि उस चेक पॉइंट से उनको ही निकलना होगा वहाँ से। जब वो ये चीज़ें लेकर वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि वही सोल्जर दोबारा से उसको रोका जाता है, दोबारा से ह्यूमिलिएट किया जाता है, और बहुत बहुत गंदे तरीके से, बहुत गलत बिहेवियर है सारी चीज़ें। उसको कहा जाता है कि इसको खोल कर दिखाओ, जबकि वो बताता भी है कि एक प्रेजेंट है, खाने पीने का सामान है, ज़रूरी सामान है उसके अंदर बेटी के लिए, वाइफ के लिए। बट ना चाहते हुए भी उसको वो चीज़ माननी होती है, और उनको सबको खोल कर दिखाया जाता है, और फिर दोबारा से वो काफ़ी ह्यूमिलिएशन से गुजरना पड़ता है यूसुफ को। अब वो उस चेक पॉइंट से उस फ्रिज को नहीं ले जा सकता, क्योंकि जो वो जो पैसेज है ना वहाँ से जाने के लिए, बहुत बहुत छोटा सा है, मतलब फ्रिज उसमें अटक रहा है, वो नहीं निकल पाएगा। जब वो सोल्जर को बोलता है कि भाई मुझे यहाँ से इसको लेकर जाने दो, तो वो कहता है कि इधर से ले जाओ, और अब नहीं जा रहा तो फिर इसको तुमको यहीं पर छोड़ कर जाना पड़ेगा, या वापस इसको जाओ, वापस दे आओ, और क्या करोगे तुम लोग, फ्रिज का क्या करोगे, और ऐसा करके मतलब उसका बहुत गलत बिहेवियर होता है। अब उस चेक पॉइंट के साथ में ही ना एक एरिया है, मतलब रोड को दो हिस्सों में बांटा गया है ना, जो दूसरा वाला जो एरिया है वहाँ से वो कहता है कि इधर से ले जाने दीजिए, जहाँ से गाड़ियाँ जाती है और ये सब। बट वो मना करता है कि यहाँ से किसी भी फलस्तीनी को जाने की इजाज़त नहीं है, अगर तुम लोगों को जाना है तो इधर से ही जाना होगा। वो कहते हैं ना कि इंसान को कभी भी इतना मत दबाओ कि अगर उसने पलट कर जवाब दे दिया तो वो आपको बदतमीजी लगे, और वो बदतमीजी भी ऐसी कि आप उसको सहन ना कर पाए, आपके लिए वो बदतमीजी लगेगी आपको,
क्योंकि आप सामने वाले को इतना दबा रहे हैं। यूसुफ बहुत समझाता है, समझाने के बाद वो शरीफ इंसान बेचारा चुप्पी तोड़ता है और कहता है, क्रिएट हो जाती हैं चीज़ें और लिटरली वहाँ पर मतलब एक माहौल सा ऐसा बन गया है कि भाई अब तो क्या ही होगा, है ना। फिर कैसे उस फ्रिज को वो क्या वहाँ तक ले जा पाया, उस प्रेजेंट को क्या वो अपनी वाइफ को दे पाया, उस पैसेज से क्या वो निकल पाया, वो सारी चीज़ें हैं। कहानी यही है कि किस तरीके से एक प्रेजेंट जो कि कुछ और नहीं जस्ट एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर है, ऐसी कहानी बन जाता है कि हम व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर कर देता है कि खुशियाँ, इंसानियत, बाकी सब दूसरी चीज़ों से ऊपर है कहीं ना कहीं, और होनी भी चाहिए जो कि आजकल नहीं है। द प्रेजेंट एक गुस्से से भरी हुई फिल्म है जिसको गुस्से के साथ नहीं बनाया गया, ऑब्वियसली वो गुस्सा जो अंदर दबा हुआ है, या फिर कहें वो गुस्सा जिसको चैनलाइज कर एक स्टोरी टेलिंग की ऐसी फॉर्म में तब्दील किया गया जिसे बहुत खूबसूरती से पर्दे पर उतारा गया। आर्ट को बनाए गए ढर्रों से, बनाए गए सिर्फ चश्मों से मत देखिए। अगर हम एज अ व्यूअर अच्छी आर्ट को पसंद करेंगे, देखेंगे, तो शायद हम लोग बहुत ग्रो करेंगे एज अ सिविलियन भी अपने मदरलैंड के लिए। और बाकी सब तो जो आज है ना वो कल नहीं था या परसों नहीं होगा। अच्छा सिनेमा अगर देखना पसंद करते हैं तो इस फिल्म को मिस मत कीजिएगा। बाकी फिर से ही क्लियर कर दूं, आई एम नॉट अ फिल्म रिव्यूअर, आई एम जस्ट अ फिल्म बफ हु इज स्टिल लर्निंग थ्रू सिनेमा, थ्रू आर्ट। और अगर आपने ये फिल्म देखी है और कुछ कहना चाहते हैं तो लेट्स डिस्कस फिल्म्स। बाय।